एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो ये रीडिंग व्यूअर्स नो कांटेक्ट में जो भी मेरे व्यूअर्स हैं अपने पर्सन के साथ, उनके लिए होने जा रही है, ठीक है। और आज मैं इस रीडिंग में ये देखूंगी कि इस नो कांटेक्ट के दौरान आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर क्या है, और उनकी तरफ से किसी तरह के कोई एक्शंस आने की कोई उम्मीद है या नहीं, और कब तक, ये चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में कवर करूंगी। व्यूअर्स, आपको ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है ये जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है, बजाय अपने आप को हर एक बात में आपको फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिएगा और अपना पूरा का पूरा फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर डाल दीजिएगा। चलिए देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान क्या चल रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान इस पर्सन की सोच, न्यू वाइटलिटी, टीच, थर्ड आई चक्रा एंड बॉटम है शाइन। व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे आपके लिए जो नंबर्स इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं वो 1, 5, 6, 19, 10, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। और मंथ मुझे यहाँ पर आपके लिए जनवरी, मई, जून, अक्टूबर, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। अभी तक यहाँ पर सिर्फ एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका हो गया टॉरस और ये आपका हो गया लियो, ये मुझे अभी मेन इम्पॉर्टेंट राशियाँ दिख रही हैं। देखिएगा व्यूअर्स, अगर इनकी एनर्जीज के बारे में बात करी जाए तो ऐसा देख पा रही हूँ जैसे ये पर्सन ना अब अपनी लाइफ में नई ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे इनका फोकस कहीं ना कहीं स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान मेन अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ लेकर आई जाए, कैसे अपने पैशन को जिया जाए, कैसे अपने पैशन को अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए उसमें कामयाबी हासिल करी जाए। तो इस इंसान का जो मेन फोकस है वो अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा है। इस चीज़ को हम क्लैरिफाई करेंगे, हैंड टू हैंड हम क्लैरिफाई करते चलते हैं कि किस तरह की ग्रोथ चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, किस तरह का पैशन है जिस पर इस इंसान का बहुत ज़्यादा फोकस अब बना हुआ है, ठीक है व्यूअर्स। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में इस पैशन को कामयाब करने के लिए अपना पूरा डिवोशन, अपना पूरा फोकस इसे ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे देखते हैं पहले, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर किस तरह की ग्रोथ के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन का पैशन इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान अब क्या बना हुआ है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए जिस पर ये फुल फोकस्ड हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 1, 2, 3 एंड बॉटम ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे है व्यूअर्स लवर्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, ओके। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जेमिनी, ये आपका हो गया टॉरस एंड ये एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखा है। बेसिकली यहाँ पर ये इस पर्सन का जो पैशन है ना वो आप हो, विथ दिस एम्प्रेस कार्ड। इस पर्सन का इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान आप पूरी तरह से एक टारगेट हो, ठीक है, जिस पर इस इंसान का पूरा फुल फोकस यहाँ पर है। जो भी आप दोनों के बीच का ये रिश्ता था, चाहे आप मैरिड थे, मैरिज करना चाह रहे थे, या ये पर्सन मैरिड थे, लेकिन इन सभी चीज़ों में इस पर्सन के लिए जो इनका पैशन, इनका जुनून, इनकी लत हो ना, वो आप हो, जिस पर भले ये पर्सन नो कांटेक्ट में है लेकिन फोकस इनका इस चीज़ से आज भी अभी भी हटा नहीं है।
ऐसा देख पा रही हूँ कुछ वक्त के लिए यहाँ पर इस पर्सन का ध्यान आपसे हटा, लेकिन उतने वक्त में जितना ज्यादा आपने यहाँ पर अपने मन से इस रिश्ते को लेकर डर को खत्म करा, जितना ज्यादा यहाँ पर आपने अपने आप को एकदम सख्त बनाया ना, वो चीजें इस इंसान को आपको लेकर और ज्यादा पैशनेट कर रही हैं। जैसे कहते हैं ना, जो चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेट बन जाती हैं, आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हो। जब तक ये इंसान आपके बारे में सही तरीके से जान नहीं पाए, आपके करीब नहीं आए, तब तक ये पर्सन आपको लेकर ज़्यादा अट्रैक्ट रहे, आपने ये चीज़ें नोटिस करी होंगी। लेकिन जितना ज़्यादा इस इंसान ने आपको जाना, ये आपके करीब आए, अल्टीमेटली जितना ज़्यादा आप इनके लिए पूरी तरह से अवेलेबल हो गए, मतलब आपको इन्होंने पूरी तरह से जान लिया, परख लिया, समझ लिया, आसान हो गए आपको समझना इनके लिए, उतना ज़्यादा इस इंसान ने आप पर से अपना वो पैशन ख़त्म कर दिया। लेकिन आप अगेन अब उसी जगह पर पहुंच गए हो इस न्यू कॉन्टेक्ट में, जिसमें आप अगेन इस इंसान के लिए उसी तरह से कॉम्प्लिकेट बन गए हो। आप ही के रिश्ते की बात नहीं है व्यूअर्स, या रिश्ते की ही बात नहीं है, ये अक्सर चीज़ें होती हैं इंसान की, ह्यूमन की ये नेचर होती है। जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बन जाती है ना, आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जिसके पास साइकिल है उसे पता है उसका स्कूटर खरीद वो नहीं सकता, लेकिन वो स्कूटर के लिए अट्रैक्ट रहेगा या रहेगी। जिसके पास स्कूटर है वो गाड़ी के लिए अट्रैक्ट रहेगा, जिसके पास गाड़ी है वो और भी अच्छी गाड़ी, एकदम लग्जीरियस गाड़ी के लिए अट्रैक्टेड रहेगा। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो आप दोनों के बीच में स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान हुआ है, जिसमें जब आप इस पर्सन के लिए पूरी तरह से घर की मुर्गी बन गए थे, तब आपका जो अट्रैक्शन, वो चार्म था इस पर्सन के लिए, कम होता चला गया, मतलब वो हल्के में पहुंचता चला गया। लेकिन अब यही सभी चीज़ें इस इंसान के लिए बाहर की मुर्गी के बराबर जैसे ही होती जा रही हैं, वैसे ही इंसान आपके लिए अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। वही पैशन इनके दिल में, वही फोकस, वही टारगेट आप इस इंसान के स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान बने हुए हो, जिसे ये अगेन अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की चाह रख रहे हैं। आप इस इंसान से मैरिड थे और आप दोनों अगर एक सेपरेशन में हो, या आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो बेसिकली अब इनके दिल में आपको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि आप इनको किस निगाहों से देखते हो, आपके दिल में अब इस इंसान की क्या जगह है। अगर यहाँ पर आप मैरिज करना चाह रहे थे लेकिन इस इंसान ने आपको कमिटमेंट देने से मना कर दिया, या कमिटमेंट की जब बात आई तो इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने जितना ज़्यादा अपना ध्यान, अपना फोकस इस इंसान से हटाया, जितना ज़्यादा आपने अपना दिल यहाँ पर इस इंसान से हटाया, उतना ज़्यादा आप इनके लिए वो कॉम्प्लिकेट होते चले गए, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ आने की चाह रख रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं व्यूअर्स, कि आप ही इस नो कॉन्टेक्ट में इस पर्सन को दिख रहे हो, लेकिन आपको ये चीज़ें एक नेगेटिव वे में नहीं लेकर चलनी। बेसिकली यहाँ पर आप खुद सोचिएगा, अगर कोई चीज़ आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं है, अगर कोई इंसान आपके सामने सिर्फ रो रहा है या रो रही है, रोज का अपना वही दुखड़ा रो रहा है, रोज का वो आपके सामने इमोशनली लेवल पर कमज़ोर पड़ के दिखा रहा है, तो आप उसे दो दिन, चार दिन, महीने भर, छः महीने, मैक्सिमम साल भर आप उसे सांत्वना दोगे, आप उसे कहीं ना कहीं सहारा दोगे, लेकिन उसके बाद आपके माइंड में भी एक ये थॉट आएगा, यार इसका रोज का रोना है और इसके रोने की वजह से मेरी जिंदगी पर असर पड़ रहा है, मैं स्ट्रेस ले रही हूं, मैं स्ट्रेस में पहुंच गया हूं। तो ये चीजें हुई कि अट्रैक्शन वहां पर खत्म हुआ। तो ये ह्यूमन नेचर है जो मैंने आपको बताया, यानी कि यहाँ पर आपको सीधे शब्दों में यूनिवर्स की तरफ से एक सिग्नल दिया जा रहा है, समय के साथ अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलने से कभी भी मत रोको, ये आपके लिए एक मैसेज दिया गया है। अगर आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो इंसान आपके तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा, किसी भी चीज़ को लेकर। मैं लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, लुक्स की यहाँ पर बात करी नहीं जा रही है, वो नेचर की बात करी जा रही है, वो सेंसिटिव जो आप पहले थे उसमें आप स्ट्रांग हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, उसकी बात हो रही है। तो बेसिकली स्नो कॉन्टेक्ट में यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर डेफिनेटली उसी जुनून में अपने आप को पा रहे हैं, उसी पैशन में, उसी उतावलेपन में आपको देख रहे हैं, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है इस नो कॉन्टेक्ट में इस पर्सन ने ना
आपसे अलग होकर और भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं। वो चीजें भी कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके लिए पैशनेट कर रही हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें बोल रही हैं। तो अब यहाँ पर ये चीजें देखनी है कि आखिर इन्होंने क्या सीखी। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के केस में इवन ये भी वजह दिख रही है इस इंसान के उस वक्त पे आपसे दूर होने के पीछे की या आपको कमिटमेंट ना देने के पीछे की, कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत रहे हैं, चाहे वो एज गैप का डिफरेंस हो, स्टेटस का डिफरेंस हो, या फिर मैरिड अनमैरिड का डिफरेंस हो, या कास्ट का डिफरेंस हो। तो यहाँ पर डिफरेंसेस भी बहुत रहे हैं जिस रीजन की वजह से इस इंसान ने स्नो कॉन्टेक्ट को ज्यादा वैल्यू दी, ज्यादा तवज्जो दी। लेकिन अब इस स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान इस इंसान ने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं और वही चीजें देखते हैं क्या सीखा, क्योंकि यही चीजें इस इंसान को आपकी तरफ अगेन यहां पर फोर्स कर रही हैं वापस आने के लिए या आपके लिए पैशनेट कर रही हैं। तो गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज ओरिएंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन ने स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान क्या सीखा जिसका असर इन्हें वापसी की तरफ लेकर जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 1, 2, 3 and 4 सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन। ओके, तो यहाँ पे व्यूअर्स जो राशियाँ हैं वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि और जमिनी। ठीक है, नंबर सेवन आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि जुलाई मंथ। बेसिकली यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन जब आपको एक नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रहे थे तो इस पर्सन की किसी और से मुलाकात नहीं हुई या किसी और के साथ इन्होंने रहना बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं है। इस चीज़ को आप भी मानते हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो एक और रिश्ता हो, लेकिन यहाँ पर ये देख पा रही हूँ जितना ज़्यादा इस इंसान ने उस दूसरे ऑप्शन, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो या अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे वो हो या फिर यहाँ पर परिवार ही क्यों ना हो, तो जितना ज़्यादा इस इंसान ने उनमें अपने लिए वो प्यार, वो सपोर्ट, वो चार्म, वो भरोसा, वो डिवोशन, वो ढूंढने की, देखने की जितना ज़्यादा इस इंसान ने कोशिश करी ना, इस इंसान को वो इंसान उतना ही ज़्यादा डिफेंसिव मोड में दिखाई दिए, यानी कि उतना ज़्यादा वो इंसान यहाँ पर इमोशनली वे में इनके लिए यहाँ पर पूरी तरह से खाली निकले। ये उसमें जितना ज़्यादा अपने लिए इमोशंस ढूंढना चाह रहे थे, ढूंढना चाह रही थी, उतना ज़्यादा इन्हें वहाँ पर एक खालीपन नज़र आया और वही चीज़ें इस इंसान के दिल में इमोशनली वे में एक नीडीनेस, एक ज़रूरत यहाँ पर डेवलप कर रहा है, जो ज़रूरत इनकी ना आपके साथ रहकर पूरी होती थी, जो आपसे मिली थी। देखिए सिक्स ऑफ कप्स, ये पास्ट की मेमोरीज, जो ज़रूरत इनकी आपके साथ पूरी हुई इमोशनली वे में, नीड जो थी इनकी, एक सहारा, एक मेंटली सपोर्ट, तो वो इनका ना आपके साथ पूरा हुआ। तो यहाँ पर इस इंसान ने बेसिकली ये इस नो कॉन्टेक्ट में सीखा कि यहाँ पे आपको लोग बहुत मिल जाएंगे लेकिन आपको ये नहीं पता कि उन लोगों से आपको वो प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इमोशनली वे में जो एक कंफर्ट मिलना चाहिए इंसान को वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इस इंसान ने सीखा। ये इंसान जितने भी लोगों से मिले वहाँ पे जो भी प्यार था वो एकदम झूठा, एकदम दिखावटी, एकदम बनावटी इन्हें मिला। जैसे कि उनके पास लग्जीरियस आइटम्स हैं, मेटेरियलिस्टिक सोच है उनकी, या एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो जी रहे हैं, सब है उनके पास, पैसा भी है, लेकिन उनके पास इमोशंस नहीं हैं। तो इस इंसान ने ये चीज़ें सीखी हैं इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान, जो चाहिए था, जो मिल रहा था वो आपसे मिल रहा था और यही चीज़ें इस इंसान को इस नो कॉन्टेक्ट में रहकर अब आपके लिए यहाँ पर पैशनेट कर रही हैं, या इसी रीज़न की वजह से अब आप इस इंसान के लिए इनका टारगेट बन रहे हो। थर्ड आई चक्रा मुझे ये इंडिकेट कर रहा है पहले इस इंसान का जो नज़रिया था आपको लेकर डेफिनेटली यहाँ पर अलग वे में जा रहा था और अब इनका नज़रिया आपको लेकर अलग वे में जा रहा है, जिसे हमने कहीं ना कहीं क्लारिफाई करा, जिसे हमने यहाँ पर देखा। यहाँ पर ये चीज़ें हैं नो कॉन्टेक्ट में, अब ये हैं भले, लेकिन इनका जो परसेप्शन आपको लेकर एक वक्त पे गलत बनता जा रहा था, आप में कमियाँ, आप में नुक्स ये निकाल रहे थे, आप पर ब्लेम्स लगा रहे थे, चाहे आप मैरिड हो,
मैरिज करना चाह रहे थे तो ये आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सक्यूज दे रहे थे कमिटमेंट को लेकर, तो वो सारे परसेप्शन अब इस पर्सन के बदल गए हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी क्यों बदले, किस वे में बदले हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन का ये जो थर्ड आई चक्रा है, ये जो सिक्स्थ चक्रा है, ये यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान। तो इनके दिल में व्यूअर्स अब होना हो आप हो, ये चीजें यहाँ पर है, ठीक है। इंट्यूशंस इनकी स्ट्रांग बनती जा रही है, इनकी अंतरात्मा यहाँ पर कहीं ना कहीं ने सही राह पर लेकर जा रही है। अब ये पर्सन बस जीना चाहते हैं तो अपनी खुशियों के साथ, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने की चाह इस पर्सन के दिल में साफ साफ दिख रही है। मतलब अपनी लाइफ में अब ये शाइन करने की चाह रख रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये भी सवाल बनता है कि अब ये पर्सन किस में मेन अपनी रोशनी, अपनी खुशियाँ, अपनी अबेंडेंस देख रहे हैं, ताकि चीजें हमारी और यहाँ पर क्लियर हो सके। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन अब अपनी खुशियां किस में देख रहे हैं, अपने आप को ये चमकता हुआ किस जगह देख रहे हैं, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन, शाइन को क्लैरिफाई कीजिए बताइए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। 1, 2, 3 एंड बॉटम लेंगे हम, 4 Knight of Cups, 6 of Pentacles, 2 of Wands and the King of Wands। जहाँ ये गए वहाँ पे इन्हें stability मिली, materialistic world मिला, confident भी हुए, एक अलग charm इनके अंदर आया। लेकिन उस charm का क्या करेंगे, जिस charm के साथ रहकर इंसान का मन शांत नहीं हो पा रहा, मन सुकून नहीं पा पा रहा, तो उस charm का ये क्या करेंगे, वो एहसास तो इन्हें हो गया है। टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, चारों कार्ड जो है ना चारों एलिमेंट्स के आए हैं। यानी कि अब ये इंसान बेसिकली आप में ना हर तरह की चीजें देख रहे हैं, मतलब आपको आपके साथ के रिश्ते को ऑलराउंडर बनते हुए देख रहे हैं, वो महसूस इस इंसान के थ्रू करा जा रहा है। एज एन अब आप इस इंसान के वो सपने बने हुए हो, वो ड्रीम, वो ख्वाहिश इनके बने हुए हो, जिसको लेकर ये अट्रैक्टिव हैं, ये अब यही चाहते हैं जो पहले आपको इस रिश्ते में इन्होंने बैलेंस नहीं दिया, जो वो रेस्पेक्ट इन्होंने नहीं दी, वो आपको इस रिश्ते में देने की चाह अब इस पर्सन की है। इवन ये पर्सन ना ये नहीं चाह रहे अब आपसे कि आप इन्हें रिजेक्ट करो, इन्हें ना बोलो, मतलब ये आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आने की चाह भी इवन यहाँ पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पर ये पर्सन ना ये चीजें पूरी तरह से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इनकी खुशियाँ, इनकी जिंदगी की रोशनी कहाँ है, आपको ऑफर देने में, आपको बैलेंस देने में, आपकी हाँ में, ठीक है। यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि आप ना खुद कंफ्यूज्ड हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, आपका एक दिल तो कहता है कि आप इन्हें हाँ बोल दो, और एक दिल आपका ये कहता है कि इंसान की गलती को आप माफ नहीं कर पा रहे हो, तो वो दिल आपका ना भी बोलता है। तो आप भी यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूज्ड दिख रहे हो व्यूअर्स, कभी दिल हाँ बोल रहा है, कभी ना बोल रहा है, तो उस कश्मकश में आप भी दिख रहे हो, और आपकी कश्मकश इन्हें भी समझ में आ रही है, ठीक है व्यूअर्स। तो बेसिकली यहाँ पर ये पर्सन ये चीजें पूरी तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इनकी खुशियाँ किधर हैं, नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी। लेकिन थोड़ा सा इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि शायद आप इन्हें मना करोगे या आपकी तरफ ऑफर लेकर जाएंगे, तो वो चीज़ें थोड़ा इन्हें कंफ्यूजन में डाल रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं, नो कांटेक्ट में इस पर्सन को काफ़ी चीज़ें अगर इतनी ही समझ में आ रही हैं, तो इस इंसान की तरफ से आप एक्शंस की क्या कोई उम्मीद कर सकते हैं या नहीं, तो वो मैं टैरो से देखती हूँ, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए।
देखिए यहाँ पे आया है व्यूअर्स थ्री ऑफ कप्स एंड बॉटम आपका आया है एस ऑफ वैंड्स। दोनों ही कार्ड पहली चीज तो यस को डिनोट करते हैं, दूसरी चीज यहीं से शुरुआत हुई कि आप ही इस इंसान का पैशन, जुनून, सब कुछ बने हुए हो। उसके अलग इस इंसान को आप में अब अबेंडेंस दिखाई दे रही है, खुशियाँ, सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, सब कुछ तो आप में इन्हें दिख रहा है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ एक्शन लेकर आने से रोक नहीं सकती हैं, ये चीज़ें यहाँ पर आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यस तो आया है कि जी हाँ पॉसिबिलिटीज़ बन रही है इस इंसान की तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आने की, एक्शंस आने की। चांसेस मुझे दिख रही है व्यूअर्स, देखो 3 वीक से लेकर 1 मंथ की जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा आपको लेकर अपने थॉट्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इन्हें वक्त लेने के लिए मजबूर करेगा या इन्हें थोड़ा सा यहाँ पर वक्त लेना पड़ेगा। बट यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिख रही है विद दिस थ्री ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स। तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है तो उसके नेक्स्ट करके आपको इस चीज को लेकर चलना होगा। अब मैं ये देखती हूँ व्यूअर्स कि नो कॉन्टेक्ट के दौरान ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं अब ये पर्सन व्यूअर्स से, गाइड कीजिए। सिक्स सेवन, बहुत सारे गिर गए। ये चीजें तो यहाँ पर समझ में आ रही है, इन्हें बहुत कुछ कहना है, जो नहीं भी कहा था ना वो भी कहना है अब इन्हें आपसे। आई मिस यू यार, प्लीज कम बैक, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको बेनतहा मिस कर रहे हैं, प्लीज वापस से आ जाओ। आई हैव ट्रस्ट यू, इन्हें आप पर भरोसा है। अगर इन्होंने किसी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए आपसे ये बात कही कि इन्हें आप पर भरोसा नहीं है, या इनके मन में किसी तरह की कोई गलत फहमी आपको लेकर डेवलप हुई, तो आपसे कहना चाह रहे हैं नहीं अभी आप पे भरोसा कर पा रहे हैं। आई हैड नो चॉइस, उस वक्त पे इनके पास कोई और चॉइस नहीं थी जिस रीज़न के चलते इन्होंने ये फैसला लिया, आपसे कहना चाह रहे हैं ये पर्सन। आर यू स्टिल वेटिंग, क्या आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, आपसे कन्फर्मेशन चाहते हैं। आई विल कम, विल यू वेट फॉर मी, अगेन वो कन्फर्मेशन चाह रहे हैं कि अगर ये आते हैं तो क्या आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, जो मैंने बताया एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। I can never love someone else like I loved you. इस चीज़ को एहसास कर पा रहे हैं ये पर्सन कि जितना इन्होंने आपसे प्यार करा या जितना ये आपसे प्यार कर बैठे, उतना प्यार ना तो ये किसी से कर पाएंगे और ना ये करा है इन्होंने। Do you have someone else? क्या इतने वक्त में आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। Will you have my kid? क्या आप इनके साथ बच्चे देखना चाहते हो, यानी कि अगेन वही लॉन्ग स्टेबिलिटी। I want to hug you, बेटू, आपको गले लगाना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। Will you take me back if I come back? अगर मैं वापस से आता हूँ या आती हूँ तो तुम मुझे क्या वापस से लोगे? बार बार इसी चीज़ को अगेन एंड अगेन आपसे पूछा जा रहा है। आई जस्ट एक्ट लाइक आई डोंट केयर, आपको बस ऐसे एक्ट करके दिखा रहे हैं कि ये आपकी परवाह नहीं करते, इन्हें आपकी कोई केयर नहीं है, आपसे कहना चाह रहे हैं। यू आर 1000 miles अवे बट नो वन एल्स इज क्लोजर टू माई हार्ट देन यू आर, आपसे ये भी कहने की चाह है कि भले आप दोनों के बीच में फिजिकली तौर पर बहुत सारी दूरियां आ चुकी हैं, लेकिन जितना आप इनके दिल में उतर चुके हो ना, उतना कोई और इनके दिल में नहीं उतर पाया ना उतर सकता। तो ऐसा भी ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर व्यूअर्स इस रीडिंग का एंड करूंगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंड बॉटम है आपका सीजनल हार्वेस्ट। देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि आपको ना यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना है, जो चीज़ें आप एक्सेप्ट करना चाहते हो उन चीज़ों को लेकर, एज एन आपको अफर्मेशंस वही चीज़ों को लेकर बोलनी है जो आप चाहते हो, उन चीज़ों को आपको मन से नहीं बोलना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुँचाना है जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो। ठीक है, यानी कि जैसा बोओगे, जैसा अपने माइंड में रखोगे वही आप पाओगे, वही ग्रो करोगे, ये आपसे बोला
जा रहा है, तो ये तो आपके ऊपर है भाई, आप कैसी सोच रख रहे हो, क्या आप अपने मन में रिपीट एंड रिपीट दोहरा रहे हो। आपके लिए मैं कुछ अफर्मेशंस निकाल लेती हूँ व्यूअर्स, ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस हो जाओ कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं। ठीक है, तो आ गए, नहीं ऑलरेडी थी मैं। देखिए फर्स्ट अफर्मेशन आपके लिए ये आई है, ऑल डिफिकल्टीज बिटवीन मी एंड माई पार्टनर आर नाउ बींग हील्ड। यानी कि जो भी ट्रस्ट इश्यूज, जो भी गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में डेवलप हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स परेशानियाँ हैं आप दोनों के बीच में, वो ऑलरेडी हील हो चुकी हैं। तो आपको इस अफर्मेशन का इस्तेमाल करना है। आप पार्टनर की जगह उनका नाम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड तक आपको पहुँचाना है। माई पार्टनर एंड आई आर डीपली हैप्पी टुगेदर। आपको साथ रहने के लिए मैनिफेस्ट करना है, इस अफर्मेशन का यूज़ करना है कि आप और आपके पार्टनर दोनों साथ रह रहे हैं, वो भी बहुत खुशी खुशी से। आई ट्रस्ट माई ओन पावर एंड ओपन द डोर टू लव। उसके अलग आपको ये भी अफर्मेशन यूज़ करनी है, अगर आपने अपने दिल को ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है, तो कि आप भरोसा कर पा रहे हैं अपने ऊपर, अपनी पावर पर, और इसीलिए आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए पूरी तरह से ओपन कर रखे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यूअर्स आप भी इस पर्सन के लिए एक ब्लॉकेजेस बने हुए हो, कंफ्यूजन की वजह बने हुए हो। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एक अफर्मेशन के तौर पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी मैं जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हैं, लेकिन फिर भी लाइक नहीं करा, तो भाई जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।